नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में। दोस्तों, मैं करुणा आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ इस वीडियो में क्लास 11th इंग्लिश कोर सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम। तो बेटा, ये आपकी टर्म 2 एग्जामिनेशन एनुअल एग्जामिनेशन की मार्किंग स्कीम है। 40 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम था, 2 घंटे का पेपर आपका था। इस मार्किंग स्कीम को हम अपने क्वेश्चन पेपर के साथ यहाँ पर टैली कर सकते हैं। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन से 13 नंबर का पेपर आपसे पूछा गया था, तो कोई 8 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पर आंसर देने थे 9 में से। तो सिर्फ आंसर्स बेटा आपको इस मार्किंग स्कीम में मिलेंगे, क्वेश्चंस आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चंस के लिए आपको अपना क्वेश्चन पेपर देखना होगा। सेवन एट एंड नाइन सेकेंड है बेटा, आपको नोट मेकिंग करनी थी और उसकी समरी भी बनानी थी। 5 नंबर की आपकी नोट मेकिंग और 3 नंबर की आपकी 3 नंबर की आपकी नोट मेकिंग और 2 नंबर की आपकी समरी जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। समरी की लिमिट आपकी 50 वर्ड्स की होनी चाहिए थी, जिसके अंदर आपको कंटेंट एंड एक्सप्रेशन दोनों चीज़ों को ऐड करना था। सेक्शन बी राइटिंग था, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होता है राइटिंग स्किल्स आपकी। एक्यूरेसी के लिए आपको एक्सप्रेशन के लिए 1 नंबर मिलना था, कंटेंट के लिए 2 नंबर मिलने थे। वैल्यू पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर ऐड करने थे वो यहाँ पर डिपार्टमेंट ने आपको शो किए हुए हैं अपनी मार्किंग स्कीम में। तो बेटा, इसी के साथ ही मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपने अभी तक भी शिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सबसे पहले शिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की बाकी सब्जेक्ट्स की मार्किंग स्कीम देखने के लिए, अपना रिजल्ट देखने के लिए, CBSE अपडेट्स के लिए, मॉडल टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर, इन सब के लिए आप शिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेटा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सेक्शन सी बेटा लिटरेचर का आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। 5 क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा, 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर आपके लिए है। कंटेंट 1 नंबर का है, एक्सप्रेशन और एक्यूरेसी के लिए 1 नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड उसका सॉल्यूशन। इसी तरह से क्वेश्चन ऊपर है, आंसर नीचे है। बाकी आपको क्वेश्चन पेपर तो अपने साथ रखना ही चाहिए अपनी किसी भी मार्किंग स्कीम को टैली करते हुए। बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। 5 नंबर का ये एक प्रश्न था जिसका जवाब यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आप दे सकते थे, जिस तरह से भी आपने दिया होगा इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर दे सकते थे। तो बेटा, ये थी आपकी मार्किंग स्कीम इंग्लिश की, आशा करती हूँ आपके लिए यूज़फुल होगी। तो बेटा, मैं एक बार फिर से बोलूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना।